जिले में आशा कार्यकर्ता ने गर्भवती महिला का गर्भपात करवा दिया है। उसे बहला फुसलाकर निजी नर्सिंग होम में ले गई। वहां बेहोशी का सुई देकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। गर्भवती महिला ने पैसा छीनने का भी आरोप लगाया है। थाना के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल सर्जन ने भी मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने पीएससी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर सीएससी के समीप आर्य अल्ट्रासाउंड केंद्र में मीनापुर थाना क्षेत्र के गगनटी गांव की महिला का लिंग जांच कराने व गर्भपात मामले में आशा कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मामले में पीड़ित महिला फूल कुमारी देवी के बयान पर गंगटी गांव के आशा कार्यकर्ता कल्याणी देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 जून की सुबह 10 बजे आशा कार्यकर्ता ने फूल कुमारी देवी को कहा कि चलिए अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, लेकिन फूल कुमारी ने अल्ट्रासाउंड करवाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ता महिला को बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल के पास आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र पर ले गई। वहां उसका जांच करवाया गया। आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र ले जाने के बाद फूल कुमारी देवी की सोनोग्राफी करवाई गई। सोनोग्राफी के बाद आशा कार्यकर्ता बोली कि एक पोलियो का सुई लगेगा। फिर वहां से बगल के ज्योति नर्सिंग होम ले गई, जहां डॉक्टर के द्वारा पीड़ित महिला को एक इंजेक्शन दिया गया। सुई पड़ते ही महिला बेहोश हो गई। होश में आने पर आशा कार्यकर्ता वहां के डॉक्टर व कंपाउंडर पीड़ित को समझाने लगी कि लड़की थी इसलिए तुम्हारा गर्भपात करवा दिया गया है। इसके बाद फूलकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान आशा कार्यकर्ता ने उल्टा पुल्टा समझकर फूलकुमारी से 7,000 रुपए छीन लिया। मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला है, वहाँ के प्रभारी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है। अखबार में कल हम देखे थे, वहाँ के प्रभारी से शोकोज कर रहे हैं कि ये इतना कुछ हम लोग अल्ट्रासाउंड पर छापा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होते रहेगा तो ये सब छापा मारने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए वहाँ दो दो ही जघन्य हुआ है, एक तो सेक्स डिटरमाइन करना, दूसरा का डिटरमाइन कर करके अबॉर्शन करवा देना। ये दोनों काम हुआ है जिसमें आशा भी जो इन्वॉल्व है वो कार्रवाई के लिए तुरंत प्रभारी को लिखते हैं कि क्यों नहीं हमारे यहाँ जानकारी आई और उसको उचित कार्रवाई करें। पूरे मामले की जानकारी के बाद अब तक पीएससी प्रभारी से इस संबंध में जानकारी मिली? कोई जानकारी हमको पीएससी प्रभारी के माध्यम से अभी तक नहीं मिली है, जिस पर अभी उसे हम शोकोज कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करें। जिले का सर अभी सेक्स रेशियो क्या? सेक्स रेशियो तो NFHS का जो आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो था, उसमें 4 और 5 में अंतर दिखाया था, काफ़ी अंतर दिखाया था, जिसमें 685 हमारा बता रहा था। हालांकि हकीकत नहीं है, मेरे यहाँ जो एक्चुअल डाटा जो आता है, जो लेबर रूम में जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो प्राइवेट में भी बच्चे जो जन्म लेते हैं या घर पर बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें कितना लड़का कितना लड़की लिया उसके हिसाब से 900 के ऊपर हमारा है, 915-16 है। लेकिन जो उसे NFHS का था उसके हिसाब से 685 था, जिस पर हम लोगों ने सब तरफ से स्टेट से भी उंगली उठी कि मुजफ्फरपुर में बहुत कम है, जिस पर अल्ट्रासाउंड पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कार्रवाई किया है और ये कार्रवाई किया ही नहीं है, ये जारी रहे। कार्रवाई के बाद सब इस पर देखा जा रहा है, थोड़ा सा सब तरफ से सहयोग की जरूरत है। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।